आज हम नाइन्थ वीडियो के ऊपर बात करेंगे हमारी माइटोसिस सीरीज के ऊपर हमने वीडियो बनाना शुरू किए हैं उसमें नाइन्थ वीडियो है ये इससे पहले हमने टीलोफेस के बारे में जाना और उसमें स्पेशली हमने बात की माइटोटिक साइक्लिनस की या साइक्लिंस की साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की हमने बात की उनका क्या रोल रहता है सेल डिविजन में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप उसको पहले देखिए और आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस तो ये जानते हैं साइटोकाइनेसिस क्या होता है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं साइटोकाइनेसिस को बाइनरी फिशन के साथ में लिंक किया गया है बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में जो सेल डिविजन होता है उसको बाइनरी फिशन कहते हैं लेकिन मैकेनिज्म इन बोथ केसेस दे आर डिफरेंट क्योंकि इसमें सेल स्ट्रक्चर का और सेल फंक्शन का डिफरेंस है इसकी वजह से इनमें मैकेनिज्म डिफरेंट रहता है जैसे कि माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म ही नहीं होते है इन केस ऑफ प्रोक्रियोड्स तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है बाइनरी फिशन हो रही है तो डीएनए की डुप्लीकेशन तभी हो रही है जब एक्चुअल सेपरेशन सेल्स की हो रही है लेकिन इन केस ऑफ यू माइटोसिस क्या होता है सबसे पहले डीएनए की डुप्लीकेशन होती है वो होती है आपके इंटरफेज में इंटरफेस में डीएनए की डुप्लीकेशन होनी शुरू हो, हो, हो जाती है और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द डीएनए और जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो आपकी नेक्स्ट स्टेज में होती है एन स्टेज में शुरू हो जाती है और टिलोफेज में कंप्लीट हो जाती है अब साइटोकाइनेसिस के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साइटोकाइनेसिस को एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया है सेल डिवीजन प्रोसेस का इसमें साइटोप्लाजम और उसमें जो ऑर्गेनाइज होती है उनका डिवीजन हो जाता है इक्वली इन टू डॉटर सेल्स आपके पास दो नई सेल्स बन जाती हैं और ये फाइनल स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन माना गया है इसमें क्या होगा स्पिंडल एपरेट सेपरेटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया है इन साइटोगेनिस के अब प्लांट सेल साइटोगेसिस की बात करें या हम बात करें प्लांट सेल डिवीजन वर्सेस एनिमल सेल डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि इसमें रिजिड सेल वॉल रहती है प्लांट सेल के केस में अब अगर साइटों होनी है तो इसमें फरो की फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि स्पेशल फीचर है एनिमल्स का इसमें फॉर्मेशन होगी सेल प्लेट स्ट्रक्चर की बिकॉज इसमें सेल वॉल की सिंथेसिस होगी न्यू सेल वॉल की सिंथेसिस होगी इसलिए इसमें सेल प्लेट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी और जो सेपरेट करेगी टू डॉटर सेल्स को तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट सेल डिवीजन के केस में यहाँ पे एक और बात समझनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सेल डिवीजन कैसे होता है और वो डिपेंड करेगा सेल टाइप और उसके फंक्शन के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि जो हमने डिस्कस किया उसी तरह से साइटोगेसिस होगी जैसे कि एग्स इन केस ऑफ एग्स इन एनिमल्स उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द मटीरियल जो है मोस्ट ऑफ़ द सेलुलर मटीरियल एक ही सेल में चला जाता है एग में और दूसरे पार्ट में आपके पास बहुत कम मटेरियल होता है और वो सिर्फ पोलर बॉडी बन के रह जाते हैं और पोलर बॉडी का बहुत ज्यादा फंक्शन भी नोन नहीं है कुछ एक स्पेशलाइज फंक्शन कुछ एक स्पीसीज में नोन है बट आप देख रहे हैं यहां पे किस तरह से जो है अनइक्वल सेपरेशन हुई है एक एग्जाम्पल है सेकेंड केस में लीवर और मसल्स के केस में क्या होता है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं आपके कई बार सेल डिवीजन के केस में उनका न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होता है एक ही सेल में रह जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के ऊपर आपके पास सेल डिवीजन किस तरह से चेंज हो रही है ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो सेट टोकैनसिस के बारे में मैंने पढ़े अब मोलिकुलर मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर की आती हैं जैसे एनाफेज स्पिंडल रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो ये भी होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डिवीजन प्लेन स्पेसिफिकेशन कहाँ पे डिवीज़न प्लेन बनेगा एनाफे स्पिंडल रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी एक्टिन मायोसिन रिंग असेंबली ये एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आ जाता है साइटोकनिस में और उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी एबसेशन कैसे होगा ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक एक करके कोशिश करेंगे इनको कवर करने की बिकॉज़ ये मैकेनिज्म में आ जाता है तभी हमारी माइटोसिस सीरीज कंप्लीट होगी तो अगर आपने दरअसल इन इन वीडियोज़ को इंजॉय किया है आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह के वीडियोज़ मैं और लेके आऊँगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़े